गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर नेक्स्ट एनाफिजियो क्लास. दिस इज़ द लास्ट क्लास ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन. इससे पहले हमने दो क्लासेस ली थी रेस्पायरेटरी सिस्टम की, जिसमें पहली क्लास में हमने एनाटॉमी पढ़ी थी, दूसरी क्लास में फिजियोलॉजी पढ़ी थी, और इस थर्ड क्लास के अंदर हम रिमेनिंग जो पार्ट है फिजियोलॉजी का वो हम पढ़ रहे हैं. ये अपनी लास्ट क्लास है रेस्पायरेशन की. तो देखिए, हमने पहली वाली क्लासेस के अंदर वो पल्मोनरी वेंटिलेशन वगैरह पढ़ा था, फंक्शन पढ़े थे. दूसरा आज हम पढ़ रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सेकंड फंक्शन यही था रेस्पायरेशन का, गैसेस का एक्सचेंज करना. ये जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है, इसमें हमने पढ़ा भाई एक्सटर्नल रेस्पायरेशन और इंटरनल रेस्पायरेशन दो चल रहे होते हैं. गैसेस का एक्सचेंज एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में आता है, जिसमें एयर और लंग्स के बीच में या बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या एटमॉस्फेयर है, उसके एयर और लंग्स के बीच में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है, उसको अपन एक्सटर्नल रेस्पायरेशन बोलते हैं. इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट का रोल होता है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन की थिकनेस का, और टोटल एल्वियोलर सरफेस एरिया का रोल होता है. पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट्स और सॉल्युबिलिटीज में ऑक्सीजन और CO2. ऑक्सीजन एल्वियोलर में उसका प्रेशर होता है 104 mm, और ब्लड के अंदर होता है 40 mm. तो एल्वियोलर का ज़्यादा है और ब्लड का कम है, तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन जो है ट्रैवल करती है. और ऐसा ही CO2 का होता है, पर वो जस्ट वाइस वर्सा है कि CO2 का प्रेशर जो है वो ब्लड में 45 mm है, जो कि एल्वियोलर से ज़्यादा है, और एल्वियोलर का है 40 mm. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक तो ऑक्सीजन के कंपेरिजन में ज़्यादा सॉल्युबल होती है. ठीक है, ये पॉइंट नोट करके आपको लिखना है. तो इस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है इस पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट के और सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर. दूसरा, एल्वियोलर मेम्ब्रेन थिकनेस 0.1 से 1 micron थिकनेस होती है, जो कि काफ़ी इजी है गैसेस के लिए, ताकि वो एल्वियोलाई के अक्रॉस आसानी से डिफ्यूज़ हो जाती हैं, क्योंकि उसकी थिकनेस ही इस तरह की है. इसमें एडिमा एक कंडीशन है, एडिमा एक एबनॉर्मल कंडीशन है, जिसमें उस एल्वियोलर मेम्ब्रेन की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज होने से डिफ्यूज़न जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. तो एल्वियोलाई में अगर एडिमा हो जाता है तो गैसेस एक्सचेंज में इंटरप्शन कॉज करता है, दिस इज़ अ पैथोलॉजिकल कंडीशन. थर्ड, टोटल एल्वियोलर सरफेस एरिया जो एक्सचेंज के लिए होता है हेल्दी लंग का होता है 145 square meters. अगर किसी पर्सन को एम्फिसेमा हो जाए तो टोटल एल्वियोलर सरफेस जो है वो डिक्रीज हो जाता है एम्फिसेमा में. एम्फिसेमा में क्या होता है भाई, डाइलेशन हो जाता है एल्वियोलाई का, क्योंकि एल्वियोलाई की जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी वॉल जो है वो डैमेज हो जाती है. तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो एल्वियोलाई का डिक्रीज हो जाता है एम्फिसेमा की वजह से. तो एम्फिसेमा भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है. तो ये एबनॉर्मल कंडीशंस हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं. अब वेंटिलेशन चौथी कंडीशन है. तो ब्लड फ्लो कपलिंग, देखो लो ऑक्सीजन होती है एल्वियोलस में, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगी, हाई ऑक्सीजन वैसो डाइलेशन कॉज कर देगी. जबकि हाई CO2 ब्रोंकियोल को डाइलेट करती है, और लो CO2 एल्वियोलस में ब्रोंकियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है. तो ये डायग्राम के अंदर देखिए भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखाया है, पल्मोनरी आर्टरी से आ रहा है, एल्वियोलाई के पास एयर भरी हुई है, तो ये कैसे एक्सचेंज होगा वो चीज़ देखो. तो यहाँ इस दूसरे वाले डायग्राम में दिखाया गया कि ब्लड चलता जाता है, कंटिन्यू फ्लो होता रहता है, और उसमें से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन और CO2 जो है वो एल्वियोलाई में पास होते हैं. एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आएगी, और ब्लड से CO2 जो है वो एल्वियोलाई के अंदर चली जाएगी. ऊपर से ब्लड जो बताया गया है कैपिलरी के अंदर आ रहा है, वो ब्लू कलर से दिखाया गया है, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. पर जब ब्लड पास हो रहा है वो रेड कलर से दिखाया गया है, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन आकर के मिल गई है. दोनों डायग्राम में ये ब्लू और रेड का ये डिफरेंस है. तो ये तो था एक्सटर्नल रेस्पायरेशन. दूसरा पार्ट है इंटरनल रेस्पायरेशन, जिसमें ऑक्सीजन का या गैसेस का एक्सचेंज ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है. एयर और लंग के बीच में एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, ब्लड और टिश्यू के बीच में इंटरनल रेस्पायरेशन, जिसमें ऑक्सीजन ब्लड के अंदर वही 104 mm, टिश्यू के अंदर होती है 40 mm. तो फिर ऑक्सीजन ब्लड से कहाँ चली जाएगी, टिश्यू में चली जाएगी. और CO2 टिश्यू में होती है 45 mm से भी ज़्यादा, और ब्लड में होती है 40 mm. तो फिर कहाँ,
टिश्यू से ब्लड के अंदर CO2 ट्रैवल करेगी। अब ये आपका ये पूरा एल्वियोलर या आप कहिए ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री दिखाया गया भाई, नोज से और माउथ से दोनों जगह से आप एयर लेते हो। रेस्पिरेटरी ट्री का एयरवे दिखाया गया, यानी वेंटिलेशन का प्रोसेस, एयर ब्लोन आउट, एयर पुल्ड इन, अंदर आपने हवा को खींचा, बाहर आपने गैसेस को निकाला, वो चीज़ बताई गई है। ये एल्वियोलाई के अंदर गया है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है ये, जिसमें गैसेस एक्सचेंज हो रही है एल्वियोलाई की एयर में और ब्लड में, पल्मोनरी कैपिलरी के ब्लड में, एल्वियोलाई की एयर और पल्मोनरी कैपिलरी के ब्लड के बीच में जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो रही है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। फिर इंटरनल रेस्पिरेशन के तहत आप देखिए, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन तो ब्रोंकियल ट्री दिखाया गया और यहाँ पर ब्लड की कैपिलरी दिखाई गई, एल्वियोलाई के पास ये पतली सी बनाई है ना, जिसमें CO2 O2 दिखाया गया है। ये पल्मोनरी कैपिलरी में ब्लड जो है वो प्रेजेंट है और वो O2 CO2 को ले रहा होता है। इस ब्लड का फ्लो हो रहा होता है टिश्यू तक, टिश्यू सेल तक जब ये गया, ये इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाएगा, जिसमें गैसेज एक्सचेंज हो रहा है टिश्यू सेल्स और ब्लड के बीच में सिस्टमिक कैपिलरीज के। तो ये इस तरह से एक्सटर्नल इंटरनल रेस्पिरेशन दोनों एक साथ समझाए गए हैं इस डायग्राम में। अब इस रेस्पिरेशन को रेगुलेशन, लास्ट यही आएगा ना, कंट्रोल रेगुलेशन रेस्पिरेशन है, क्योंकि फिजियोलॉजी तो कंप्लीट हो गई, कंप्लीट मतलब एक्चुअली आधी कंप्लीट हो गई, फंक्शन आधा कंप्लीट हो गया, आधा अब इसको रेगुलेट कैसे किया जाएगा। तो इसके मैकेनिज्म अपन ने पहले ही पढ़े थे, वही मैकेनिज्म दोबारा पढ़ रहे हैं अपन, जिसमें नर्वस कंट्रोल इसको रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को। तो इसके अंदर मेड्यूलरी रेस्पिरेशन जो चलता है उसमें इंस्पिरेटरी सेंटर और एक्सपिरेटरी सेंटर पाया जाता है। इंस्पिरेटरी सेंटर डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और रिदमिक ब्रीदिंग से जुड़ा हुआ है, जबकि एक्सटर्नल में वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और फोर्स्ड एक्सपायरेशन से जुड़ा हुआ है। किस किस का रोल है इंस्पिरेटरी सेंटर में? फ्रिनिक नर्व, इंटरकॉस्टल नर्व्स, डायफ्राम प्लस एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। जबकि एक्सपायरेटरी सेंटर में फ्रिनिक नर्व्स, इंटरकॉस्टल नर्व्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल प्लस एब्डोमिनल्स एक्सपायरेशन में काम आता है। यूपनिया, ये सारे टर्म्स मैंने आपको पहले ही बता दी थी। यूपनिया नॉर्मल रेस्टिंग ब्रीद रेट होती है जो 12 ब्रीदिंग पर मिनट, और ड्रग की ओवरडोज हो जाए तो उसे इंस्पिरेटरी सेंटर जो है वो सप्रेस हो जाता है, कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स का अगर ओवरडोज हो जाती है तो। अब पॉन्स रेस्पिरेटरी सेंटर न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, स्लाइटली ये मेड्यूला को इनहिबिट करता है और शॉर्टर कर देता है, जिससे कि ब्रीद शॉर्ट हो जाती है, शैलो यानी सतही हो जाती है और क्विक हो जाती है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर मेड्यूला को थोड़ा इनहिबिट करता है, जिससे कि जो सांस होती है वो छोटी छोटी सतही सांस आ रही होती है, जो जल्दी जल्दी जैसा रेस्पिरेशन होता है। दूसरा एपन्योस्टिक सेंटर होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर का तो ये रोल है, और एपन्योस्टिक सेंटर जो मेड्यूला को स्टिम्यूलेट करता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर मेड्यूला को इनहिबिट कर रहा था, एपन्योस्टिक सेंटर मेड्यूला को स्टिम्यूलेट करता है, जिससे कि लंबी गहरी और धीमे आप सांस को लेते हैं। अब ये डायग्राम के अंदर मेड्यूला ऑब्लंगेटा बताया गया है, इसमें न्यूमोटैक्सिक सेंटर आप देखिए और एपन्योस्टिक सेंटर देखिए, ये बड़ा करके दिखा देती हूँ मैं, न्यूमोटैक्सिक और एपन्योस्टिक सेंटर दोनों एक दूसरे के अपोजिट रोल प्ले कर रहे हैं। अब कंट्रोल रेट या ब्रीद को कैसे, ब्रीद की डेप्थ को और रेट को कैसे कंट्रोल किया जाता है? तो ब्रीदिंग रेट में मेड्यूला के स्टिम्युलेशन इनहिबिशन से ब्रीदिंग रेट जो है वो डिसाइड होती है कि रेट हाई होएगी या लो होएगी। ब्रीदिंग डेप्थ जो है वो इंस्पायरेशन मसल्स के एक्टिवेशन से कंट्रोल होती है। हैरिंग ब्रीवर रिफ्लेक्स जो कि विसरल प्लूरा को स्ट्रेच करता है, विसरल प्लूरा के स्ट्रेच होने से लंग्स एक्सपैंड होते हैं, वेगल नर्व का रोल है ये। अब हाइपोथैलेमिक कंट्रोल से कैसे होएगा भाई? ब्रीद को कर लिया कंट्रोल, इससे पहले रेस्पिरेटरी सेंटर को हमने पढ़ लिया, और इससे पहले नर्वस मैकेनिज्म पढ़ लिया। नर्वस मैकेनिज्म है मेड्यूलर रेस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी सेंटर, मेड्यूलर रेस्पिरेटरी में इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी सेंटर पढ़ा था, पॉन्स रेस्पिरेटरी सेंटर में न्यूमोटैक्सिक सेंटर एपन्योस्टिक सेंटर पढ़ा था, जो गहरी और हल्की सांस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। फिर ब्रीदिंग की रेट और डेप्थ को कंट्रोल करने वाली ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग डेप्थ और हैरिंग ब्यूरो रिफ्लेक्स पढ़ा। अब हाइपोथैलेमिक सेंटर या हाइपोथैलेमिक कंट्रोल, जिसमें इमोशन प्लस पेन जो है मेड्यूला का वो रोल प्ले कर रहा होता है। भई आप रो रहे होते हैं तो सांसें आपकी सिसकियों में बदल जाती है, सांसों का
चेंज होना देखा जा रहा होता है। और कॉर्टेक्स कंट्रोल के अंदर वॉल्यूंट्री ब्रीदिंग जिसमें कैन ओवरराइड मेड्यूला एज ड्यूरिंग सिंगिंग एंड टॉकिंग, ये चीज़ भी मैंने आपको पढ़ाई थी, गाते और बोलते समय मेड्यूला को ओवरराइड किया जा रहा होता है। अब इसके बाद देखिए केमिकल मैकेनिज्म, न्यूरो मैकेनिज्म हो गया, अब केमिकल मैकेनिज्म जिसमें कीमो रिसेप्टर का रोल है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। सेंट्रल तो होता है मेड्यूला में लोकेटेड और पेरिफेरल कीमो होते हैं नेक के लार्ज वेसल में लोकेटेड। तो ये देखिए आर्क ऑफ एओर्टा बताया गया है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, कैरोटिड साइनस नर्व, कैरोटिड बैरो रिसेप्टर, वेगस नर्व, यहाँ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी राइट लेफ्ट बताई गई है दोनों, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, नर्व्स एओर्टा, एओर्टिक नर्व और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये कैरोटिड बॉडी और एओर्टिक बॉडीज बताई गई हैं। अब केमिकल इफेक्ट देख लीजिए भाई, जब एच प्लस ज़्यादा होता है सी ओ टू बढ़ता है तो एच प्लस ज़्यादा होगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी। सी ओ टू कम होगा तो एच प्लस आयन्स कम हो जाएंगे, ब्रीदिंग रेट डिक्रीज़ हो जाएगी। ऑक्सीजन में थोड़ा सा भी डिक्रीज़ होता है तो सी ओ टू सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, और लार्ज डिक्रीज़ हो जाता है तो वेंटिलेशन बढ़ जाता है। पी एच डिक्रीज़ होती है तो ऑब्वियस एच प्लस आयन ज़्यादा होएंगे, क्योंकि एसिडिक पी एच होएगी ना, डिक्रीज होने का मतलब एसिडिक, एसिडिक मतलब एच प्लस आयन ज़्यादा, तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी, और पीएच अगर बढ़ेगी तो ब्रीदिंग रेट डिक्रीज हो जाएगी। अब अप्लाइड एस्पेक्ट देखिए भाई, किसी पर्सन को अगर लंग कैंसर हो जाए तो नॉर्मली लंग में स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा देखने को मिलता है, या स्मॉल सेल कार्सिनोमा वर्ड आप यूज़ कर दीजिए। इसमें भी तीन तरह का क्लासिफिकेशन है भाई, देखो मेनली स्मॉल सेल देखने को मिलता है, स्मॉल सेल के अलावा नॉन सेल लंग कैंसर भी होता है जो तीन तरह का होता है, स्क्वैमस सेल एडिनोकार्सिनोमा और लार्ज सेल कार्सिनोमा। अब लंग कैंसर किसी को हो जाए तो उसको सीने में दर्द होना शुरू होगा, उसकी सांस वो छोटी छोटी ही सांसें ले पाएगा, गहरी सांस वो ले नहीं पाता क्योंकि लंग के अंदर जो है वो कैंसर सेल भर जाती हैं, तो भर जाती है तो उसकी जगह ही कम हो जाती है, भाई सांस लेगा कहाँ, पर्सन जगह ही नहीं है वहाँ पे। उसके बोलते खांसते समय सीटी की आवाज़ सुनाई देगी, उसको लंग इन्फेक्शन बार बार होने लग जाता है जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस वगैरह, और स्पटम खूनी बलगम जो है वो उसके मुंह से प्रोड्यूस हो रहा होता है, यानी ब्लड या रस्ट कलर का स्पटम प्रोड्यूस होगा। रिस्क फैक्टर किन में हो जाता है भाई, स्मोकिंग सब जानते हैं, सेकेंड हैंड स्मोक भी अगर कोई कर रहा होता है, स्मोक मैरिजुआना सिगरेट, मैरिजुआना एब्यूज ड्रग है, नशे की चीज़ें, तो स्मोकिंग साथ में मैरिजुआना वगैरह जो लोग ले रहे होते हैं उनके अंदर, या जिनको टीबी निमोनिया जैसे इन्फ्लामेशन बार बार होते रहते हैं, एस्बेस्टॉस का एक्सपोजर हो रहा है, टैल्कम पाउडर जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, देखिए यूज़ नहीं करना चाहिए टैल्कम पाउडर का, या आपको लग रहा होता है कि हम अपनी ब्यूटी एनहांस करने के लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करें, पर ये कैंसर कॉज करते हैं। अधिकतर लगभग सभी जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, ये याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और भी एजेंट्स हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, जैसे आर्सेनिक, विनाइल क्लोराइड, निकल क्रोमेट्स, यूरेनियम, कोल, ईथर वगैरह। अब लंग कैंसर कैसे डायग्नोस कर सकते हो, चेस्ट एक्सरे करवा करके देख लो, ब्रोंकोस्कोपी करवा करके देख लो, स्पटम साइटोलॉजी जिसके अंदर बलगम की जांच की जाती है कि उसके अंदर सेल्स मौजूद हैं तो सेल्स कैंसर की हैं क्या, मीडिया स्टीनोस्कोपी की जाती है, और निडल बायोप्सी कर सकते हो, निडल से सेल्स लेकर के लंग के अंदर की देख सकते हो। ट्रीटमेंट में सर्जरी करवा दीजिए, वो पार्ट उसमें लंग का काट करके अलग कर दिया था, कोई पार्ट, कोई वेज या कोई लोब है वो काट के अलग कर देंगे। रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी भी आप दे सकते हैं। अब सीओपीडी अगर किसी को हो जाए तो मैंने बताया इसमें चार डिजीज होती है, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, एम्फिसिमा और ब्रोंकाइक्टासिस। तो एस्थमा एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी लंग डिजीज़ है जिसमें बार बार ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, सांस नहीं आती, तीन एयरवे की प्रॉब्लम आ जाती है, रुकावट आ जाएगा एयरवे में, सूजन आ जाएगी और हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, थोड़ी सी भी कोई चीज़ आएगी और इन्फ्लामेशन, कोई एंटीजन आया, कोई एलर्जन आया और हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, यानी वो फूल जाएगी। तो ये देखिए एस्थमा के अंदर, एस्थमा से पहले देखिए और एस्थमा के बाद देखिए लंग के हाल बेचारे कैसे हो जाते हैं।
दूसरी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो रहा होता है जिसमें ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है और दूसरे चेंजेस भी दिखाई देते हैं। इसमें एक्चुअली खंखार के साथ खांसी आती है। एक्सेसिव ट्रेकियो ब्रोंकियल म्यूकस प्रोडक्शन इसमें होता है ब्रोंकाइटिस में। तीसरा पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी एक सीवियर और जानलेवा कंडीशन है जिसमें पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है किसी फॉरेन मैटर से। मैंने बताया ना एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है कि किसी और जगह का कोई सॉलिड लिक्विड या गैसियस मास आकर किसी दूसरी जगह पे फंस जाए। जैसे वो मास हो सकता है कोई ब्लड क्लॉट आ गया होगा जिसको अपन थ्रॉम्बस कहते हैं, या कोई टुकड़ा है कोई फैट एयर या ट्यूमर टिश्यू का, तो वो आकर के फंस जाए तो सांस आनी बंद हो जाती है। तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म को दिखाया गया भाई। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है। ये एक इनहेरिटेड डिजीज है जिसमें कि स्वेट और म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ग्लैंड्स की एबनॉर्मैलिटी की वजह से। ये क्रॉनिक प्रोग्रेसिव और हो सकता है जानलेवा हो जाए। ये लंग का डिसऑर्डर है जो इनहेरिटेड होता है और लंग के आसपास की ग्लैंड हाइपर सिक्रेटरी बन जाती है जिससे स्वेट और म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। सिम्टम भाई हम कह रहे थिक म्यूकस प्रोड्यूस होगा जो लंग्स में और इंटेस्टाइन में जाके फंस जाएगा, तो इंटेस्टाइन में फंस गया तो पर्सन को माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, ग्रोथ अच्छी नहीं होएगी। लंग्स में फंस गया तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी और लंग डिजीज़ हो जाएगी। डायग्नोस कैसे कर सकते हो? केमिकल टेस्ट करवा लीजिए, चेस्ट एक्सरे करवा करके देख लीजिए, LFT करवा लीजिए लंग फंक्शन टेस्ट, स्पटम को कल्चर करके देखिए जिससे पता चल जाएगा कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है या कोई पैरासाइट है क्या। ये कल्चर क्या होता है आपको माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाया जाएगा, हाँ अभी पढ़ाया जाएगा, अभी या तो फिर पढ़ा दिया होगा या पढ़ाया जाएगा। और स्टूल टेस्ट भी आप कर सकते हो। ट्रीटमेंट फिजिकल थेरेपी दे दीजिए, म्यूकस कम हो ढीला होकर निकल जाए उसके लिए एक्सरसाइज बताइए, कफिंग को स्टिमुलेट करवाइए, फिजिकल कंडीशन को इम्प्रूव करिए, कुछ दवाइयाँ जो म्यूकस को कम करती हैं ब्रीदिंग में हेल्पफुल होती है दवाइयाँ दीजिए। ये सिस्टिक फाइब्रोसिस के पिक्चर्स बताई गई हैं। नेक्स्ट कंडीशन है निमोनिया। इसमें लंग में इन्फ्लामेशन हो जाता है बैक्टीरिया वायरस या केमिकल इरिटेंट्स की वजह से। ये एक सीरियस इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है एयर सैक का जिसमें एयर सैक में पस या दूसरे लिक्विड भर जाते हैं। निमोनिया दो तरह का होता है, लोबर और ब्रोंकियल। ब्रोंकियल को अपन लोब्यूलर भी कहते हैं, लोबर निमोनिया लोब्यूलर निमोनिया। लोबर निमोनिया में एक या एक से ज़्यादा लंग की लोब्स जो है वो इफेक्ट होती है, और ब्रोंकियल निमोनिया को ब्रोंको निमोनिया भी कहते हैं। दोनों लंग्स में पूरे पूरे पैचेस दिखाई देते हैं, दोनों लंग्स पे इफेक्ट होता है, पैचेस दिखाई दे रहे होते हैं, बैक्टीरिया वाला और निमोनिक हो सकता है ये निमोनिया। सिम्टम्स हार्ड कंपाने वाली सर्दी लगने लगेगी पर्सन को और उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पर्सन हिलने लग जाता है इतनी ठंड लगती है, दांत उसके बजने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सीने में दर्द होता है, कफ प्रोड्यूस होता है जिसमें या तो खूनी खांसी आ रही होती है या उस खांसी में हरे रंग का म्यूकस होता है, परस्पायरेशन बहुत हैवी हो जाता है, सांस में बड़ी दिक्कत आती है बेचारे को, पल्स तेज हो जाती है, ब्रीदिंग तेज हो जाती है, होठ और नाखून नीले पड़ जाते हैं, और मेंटल कंडीशन बेचारा पर्सन कंफ्यूज रहने लग जाता है जो अपन तो अक्सर ही रहते होते हैं। ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स वगैरह दे सकते हो भाई आप, क्योंकि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। और दूसरे ट्रीटमेंट में आप उसको डाइट सही करने के लिए बोलिए, ऑक्सीजन थेरेपी बताइए, पेन और कफ के लिए दवाई बताइए। नेक्स्ट डिजीज़ है पल्मोनरी एम्फिसेमा। क्रॉनिक लंग कंडीशन है जिसमें एल्वियोलाई और या फिर एयर सैक्स जो होते हैं वो एक्चुअली उनकी वॉल डैमेज हो जाती है, टूट जाती है जिससे वो एक्सपैंड हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं पाते, तो ये डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, नैरोड हो जाते हैं, कोलैप्स्ड हो जाते हैं, स्ट्रेचिंग हो जाती है और इन्फ्लेटेड हो जाते हैं जो मैं बोल रही हूँ आपको। यहाँ डायग्राम में बताया गया है, एंड लास्ट व्यू दिखाया गया है एयर सैक यानी एल्वियोलाई का जिसमें एम्फिसिमा हुआ है, तो एयर सैक जो है वीक होके कोलैप्स हो गए क्योंकि उसमें म्यूकस जम गया है, और नीचे देखो हेल्दी एयर सैक्स बताए गए हैं। सिगरेट वगैरह में ऐसे देखे आते हैं। सिम्टम्स के एम्फिसिमा के अर्ली में तो कफ और ब्रीद शॉर्टनेस दिखाई देगी, सांस कम आएगी, कफ रहेगा, दूसरे बाद में अगर ट्रीटमेंट अभी भी उसने नहीं लिया तो थकावट रहेगी, नींद नहीं आएगी, एंग्जाइटी रहने लगेगा, पर्सन डिप्रेशन में चला जाएगा, हार्ट में प्रॉब्लम होएगी और वजन कम होना शुरू हो जाएगा। ट्रीटमेंट भाई स्मोकिंग छोड़ने के लिए बोलिए, एंटीबायोटिक्स दीजिए, जो भी और ओरल मेडिकेशन है वो दे दीजिए,
ब्रोंको डायलेटर, क्योंकि इसमें ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, और इन्हेलेशन वाली मेडिकेशन उसको बताइए, एक्सरसाइज बताइए, ऑक्सीजन सप्लीमेंट दीजिए अगर ज़रूरत है तो, लंग रिडक्शन सर्जरी भी की जा सकती है, लंग का ट्रांसप्लांटेशन भी किया जा सकता है। टीबी बहुत बड़ी बीमारी है, क्रॉनिक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई की वजह से होता है। इसमें ना केवल लंग बल्कि दूसरे ऑर्गन पर भी इसका असर पड़ता है। प्राइमरली ये एक एयरबॉर्न डिजीज़ है जिसमें पर्सन को 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी रहने लगती है, थकावट रहती है, भूख नहीं लगती, वजन कम होता है, बुखार चढ़ता है, रात को तो भाई बहुत दिक्कत आती है, उसको सो नहीं पाता बंदा, और 10 बजे के बाद जागता रहे तो उसकी खांसी इतनी सीवियर हो जाती है कंट्रोल नहीं होती उससे, और खून भरी खांसी आ रही होती है। डायग्नोस टीबी में स्किन टेस्ट करवा सकते हो जिसको मेंटॉक्स टेस्ट अपन बोलते हैं, ये आपको माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। चेस्ट का एक्सरे करवा सकते हो और स्पटम टेस्ट जिसको आप बलगम जांच कहते हो, जिसमें एसिड फास्ट बेसिलाई को देखा जाता है। ट्रीटमेंट हॉस्पिटलाइज किया जाता है पेशेंट को, दवाइयाँ दी जाती है। अदर डिजीज़ में एक्यूट ब्रोंकाइटिस भी होती है, इन्फ्लुएंजा भी होता है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होती है जैसे ब्रोंकियोलाइटिस, एल्वियोलाइटिस, वेस्क्यूलाइटिस, ये लाइटिस आइटिस जहाँ भी आ रहा होता है इसका मतलब वो इन्फ्लामेशन, ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन ब्रोंकियोलाइटिस, एल्वियोलाई में इन्फ्लामेशन एल्वियोलाइटिस, वेस्क्यूलर में इन्फ्लामेशन वेस्क्यूलाइटिस। इसके अलावा पल्मोनरी हाइपरटेंशन बीपी हाई हो सकती है, सार्कोइडोसिस, ये सार्कोइडोसिस की पिक्चर दिखाई गई है, चेस्ट फिल्म दिखाया गया है पेशेंट जिसको पल्मोनरी सार्कोइडोसिस होता है, इसमें लंग टिश्यू इफेक्ट होता है और ओपेक वाइट पैचेस दिखाई देते सेंटर में, देखो यहाँ वाला लंग है ना, ये इस साइड वाला, यहाँ लंग दिख ही नहीं आई है, सफ़ेद सफ़ेद चकते से दिख रहे हैं। बस इसके साथ आपका ये रेस्पिरेटरी का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, रेस्पिरेशन मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है, आप अपने पुराने पेपर्स देख लीजिए, कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछिए, आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, थैंक यू क्लास।